तो आखिर टीम इंडिया ने फर्स्ट T20 का बदला जिम्बाब्वे से ले ही लिया। आपको बता दें, इंडिया टीम के कैप्टन सुमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। टीम इंडिया का पहली विकेट महज 10 रनों पे गिरा। आपको बता दें, सुमन 2 रनों पे बना के आउट। भले इंडिया टीम की पहली विकेट महज 10 रनों पे गिर गई, लेकिन उससे ज्यादा टीम इंडिया को कोई फर्क पड़ा नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ने मिलकर 137 रनों की पार्टनरशिप की दूसरी विकेट की, जिसमें अभिषेक शर्मा ने 212 की स्ट्राइक रेट, 47 गेंदों पे 100 रनों की और शानदार पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और 7 चौके शामिल थे। और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी उनका बहुत ही अच्छा साथ दिया, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने 47 गेंदों पे 77 रनों की पारी खेली, जिसमें 1 छक्के 11 चौके शामिल। भाई अब रिंकू सिंह कहां पीछे रहने वाले थे, 22 गेंदों पे 48 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 बड़े छक्के थे। आपको बता दें, ये पारी 218 की स्ट्राइक रेट से आई थी, जिनकी बदौलत टीम इंडिया 234 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर पाई जिम्बाब्वे के सामने। अब बारे है जिम्बाब्वे के चेस करने की। जिम्बाब्वे की ओपनिंग जोड़ी को ज्यादा खास कर नहीं पाई। 4 रनों पर पहली विकेट गिरी मुकेश सम कुमार ने बोल्ड कर दिया। और आपको जिम्बाब्वे के हाईएस्ट स्कोरर मोहम्मद वरे ने 43 रनों की पारी खेली 39 गेंदों पे, और जिम्बाब्वे की पूरी टीम 134 रनों पे सिमट गई। उसके बाद पूरी टीम जिम्बाब्वे की कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई और पूरी की पूरी टीम 134 रनों पे सिमट गई, और भारत ने इस मैच को 100 रनों से विन कर लिया। और आपको बता दें, मुकेश कुमार और अवेश खान ने मिलकर 3 विकेट निकाले, और वसिंटल सुंदर ने 1 विकेट निकाले, और रवि बिश्नोई ने 2 विकेट निकाले। ओवरऑल इस मैच की बात करें, की मोमेंट गया अभिषेक शर्मा की सेंचुरी, 47 गेंदों पर मात्र 100 रनों की पारी, और शुरुआत से ही जिम्बाब्वे पे प्रेशर बना के रखा। रिंकू सिंह की 22 गेंदों पे 48 रनों की शानदार पारी, जिसमें 5 बड़े छक्के, जिसकी बदौलत टीम इंडिया 234 रनों का एक बड़ा टारगेट जिम्बाब्वे के सामने रख पाई।